हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 41 एंड अभी तक जितने हमने पार्ट डिस्कस कर लिए हैं उसमें हम 10-10 क्वेश्चन की सीरीज किया था। सो दिस इज 41 नीट 2021 का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। सो हेयर इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन विद देयर सेंटर कंसाइडिंग। तो हमारे पास इस तरह की दो सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस है R1 एंड R2, और जो बड़ा वाला है इसका रेडियस है R1 और जो छोटी वाली लूप है उसका रेडियस दे रखा है R2 है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो उनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा M वो किस पर डिपेंड करेगा हमें ये पता करना है। तो मान लीजिए ये हमारा हो गया फर्स्ट लूप और ये हो गई हमारी सेकेंड लूप, तो हम कैसे लिखेंगे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो बराबर होगा फ्लक्स इन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड अपॉन, यहाँ पर फ्लक्स किस में हम देख रहे हैं फर्स्ट में सेकंड की वजह से, अपॉन जो करंट आएगा वो हम किस में देखेंगे उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है यानी कि I1। ठीक है, अब फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट लूप इट विल बी इक्वल टू B1 इनटू एरिया हम जिसका लेंगे जिसकी हम मैग्नेटिक फील्ड सॉरी जिसका हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना चाह रहे हैं, तो B1 इनटू एरिया दूसरे वाले का लेंगे अपॉन I1। B1 यानी कि फर्स्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बराबर फॉर्मूला होता है सर्कल का लूप के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R1, तो यहाँ पर हम I1 लेंगे R1 और एरिया हम लेंगे छोटे वाले लूप का यानी कि पाई R2 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा I1, तो I1 से तो I1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है R2 के स्क्वायर पर अपॉन R1 पर, तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा R2 का स्क्वायर और R1 यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो दिस हाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। थ्री रेजिस्टेंस हैविंग R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड एंड शोन इन फिगर। आपको निकालना है I3 अपॉन I1 का रेशियो, और ये हमारे पास फिगर है कि I1 करंट यहाँ से जा करके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है I2 और I3 में। तो हमें पता है हमें एक रिलेशन फाइंड करना है एक्चुअली I3 अपॉन I1 का रेशियो निकालना है R1 R2 R3 के टर्म में। सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट रूल या KCL जो भी I1 होगा वो बराबर होगा I2 प्लस I3 के, क्योंकि I1 करंट यहाँ पर जाकर के वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो I1 की वैल्यू I2 प्लस I3 के बराबर होगी। ठीक है, दूसरा ये जो पैरेलल में कनेक्शन है R2 और R3 पैरेलल में कनेक्ट है तो इनके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा V2 V3 के, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो I2 R2 इक्वल टू I3 और R3 के। ठीक है, तो हमें क्या करना है हमें I2 को रिप्लेस करना है, I2 हमें नहीं चाहिए, तो I2 को हम क्या लिख सकते हैं I2 कैन बी रिटन एज I3 इंटू में R3 अपॉन में R2, तो I2 को रिप्लेस कर देते हैं, तो I1 I2 को मैं लिखूंगा I3 R3 अपॉन R2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा ये I3। ठीक है, अब आप I3 को कॉमन ले लीजिए, हमें तो रेशियो चाहिए, तो I1 इक्वल टू I3 को लिया कॉमन यहाँ से, ये कितना आ जाएगा R3 अपॉन R2 प्लस 1। ठीक है, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो I1 इक्वल टू I3 R3 प्लस R2 अपॉन में R2। अब रेशियो किसका चाहिए I3 अपॉन I1 का, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो R2 अपॉन R3 प्लस R2, ये क्या आ जाएगा I3 अपॉन I1, तो R2 अपॉन R1 प्लस R3, R2 अपॉन R1 प्लस R3 प्लस R2, तो ऊपर 2 आना चाहिए और नीचे 2 और 3, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा R2 अपॉन R3 प्लस R2। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक तो KCL का इस्तेमाल किया है और एक हमने यूज करा है कि पोटेंशियल बराबर और होगा अगर R1 और R3 पैरेलल में कनेक्टेड है। तो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। एक रिलेशन हमें दिया है F वेक्टर इक्वल टू QV क्रॉस B, जहां पर B के I और J कंपोनेंट तो बराबर है, B नोट की वैल्यू हमें पता करनी होगी, Q की वैल्यू 1 और वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो देखो इसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एफ वेक्टर बराबर क्या है Q V क्रॉस B। अब Q की वैल्यू तो 1 ही दे रखी है, तो
वी क्रॉस भी आपको निकालना है, ठीक है, वी क्रॉस भी आपको करना है। तो आप देखिए आपका रिजल्टेंट तो आपको पता ही है ऑलरेडी, 4i cap - 20j cap + 12k cap, ये बराबर होगा वी क्रॉस बी। तो आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना पड़ेगा। वेलोसिटी कितना है, 2, 4 और 6, आई होप कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा। और यहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड, उसका जे कंपोनेंट बी और बी नोट। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे यहाँ पर आई कैप के लिए आ जाएगा 4 × b0 - 6 × b। जब आप आई के लिए ओपन करोगे तो आई के रो और कॉलम हाइड कर लो, तो 4 की b0 में - b की 6 में, फिर -j कैप। अब आप क्या करोगे, जे जे के रो कॉलम हाइड कर लीजिए, तो आपके पास आएगा 2 × b0 - 6 b। फिर k के लिए ओपन कर लीजिए, k कैप के लिए, तो कितना आ जाएगा, रो के k कैप के रो और कॉलम हाइड कर लो तो 2b - 4b। 2b - 4b का मतलब ये है माइनस के 2b आपके पास बचेगा खाली। और अब इसको हम कंपेयर करेंगे 4i cap - 20j cap + 12k cap, ठीक है। तो आप अब आपको बस क्या करना है कि i cap, j cap और k cap का कोफिशिएंट कंपेयर करना है, ठीक है। तो अगर आप दोनों तरफ को k cap से कोफिशिएंट अगर कंपेयर करो भी, तो 12 यहाँ पर i cap, j cap और k cap के कोफिशिएंट हमें कंपेयर करने हैं। अगर आप के कैप का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हो तो यहाँ पर है 12 और लेफ्ट हैंड साइड पर 12, राइट हैंड साइड पर है माइनस के ट्वाइस बी, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 6। अब बी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो तो आई कैप से कंपेयर कर लेना, यहाँ पुट करो तो जे कैप से कंपेयर कर लेना, तो जब आप करोगे बी नोट की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 8। अब आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताना है बी का कितना हो जाएगा, तो बी यानी कि -6i cap - 6j cap और -k8k cap, तो ये सब वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा है, माइनस 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 सब होंगे 6, 6 और 8, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44, 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट, तो इनको हमने चार्ज दे दिया 220 वोल्ट, एंड ये कंबाइन होकर के एक बड़ी ड्रॉप बना रही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो बिगर ड्रॉप है उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो अगर आप स्फीयर की बात करो तो स्फीयर का फॉर्मूला होता है KQ upon R, पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल विल बी इक्वल टू KQ upon R। अब पहले देख लेते हैं कि जो बड़ा आपके पास एक ड्रॉप मिलेगा उसका रेडियस कितना होगा। तो अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट ड्रॉप के, तो हमारे पास पहली जो ड्रॉप है एच की वॉल्यूम 4/3πr³ होगी, लेकिन लेट इसका रेडियस में कैपिटल आर मान लेता हूँ, तो 4/3π कैपिटल आर की क्यूब बराबर होगा 27 टाइम्स एक की वॉल्यूम कितनी है, यानी कि क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व रहेगा यहाँ पर, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, 4/3r³। तो 4/3r से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 और r, यानी कि जब आप क्यूब रूट लोगे तो आपको मिलेगा 3r, यानी कि आपका जो रेडियस है बड़ी ड्रॉप का वो 3 गुना होगा जितना भी पहले रेडियस रहा होगा, ठीक है। अब पोटेंशियल हमें फाइंड करना है, नया पोटेंशियल कितना होगा, जबकि पहले हमें पोटेंशियल दे रखा है 220। तो मैं बाकी चीजें यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो V1/V2 का जो रेशियो होगा, पोटेंशियल दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर डायरेक्टली इन्वर्सली कर रहा है रेडियस पर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं V1/V2 बराबर आ जाएगा Q1/Q2 × R2/R1 के। अब V1 कितना है 220, V2 हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है, चार्ज Q और Q2 का चार्ज 27 Q के बराबर होगा, R2 और R1 का हमने फाइंड कर लिया 3R/R, तो R से R कैंसिल, Q से Q कैंसिल, आपको V2 निकालना है। तो V2 की जो वैल्यू आएगी आपको मिलेगा 220 V2 इक्वल टू 3 से 27 काट दीजिए 9 टाइम्स, यानी कि V2 की वैल्यू 9 गुना हो जाएगी, 220 के 9 गुना 9 टाइम्स, तो V2 की वैल्यू आएगी 1980 वोल्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हमने कंसेप्ट क्या लगाया, पहले तो हमने रेडियस फाइंड किया है बड़ी ड्रॉप का रेडियस कितना होगा, और फिर ये कंसेप्ट लगाया कि पोटेंशियल डायरेक्टली तो चार्ज पर डिपेंड करेगा बट इन्वर्सली डिपेंड करेगा रेडियस पर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
क्वेश्चन नंबर 45 में है, अ बॉल ऑफ मास 0.15 केजी, इसको ड्रॉप किया जा रहा है, 0.15 केजी की बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है कुछ हाइट तक, यानी कि हाइट दे रखी है हमें 10 मीटर, जो कि स्ट्राइक कर रही है ग्राउंड पर, और ये फिर से वापस उतनी ही हाइट पर ऊपर चली जा रही है, उतनी ही ऊपर चली जा रही है, मतलब कि कोई भी लॉस एनर्जी का नहीं हुआ है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स आपको बताना है कितना होगा। तो देखो इम्पल्स होता है क्या है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स होगा डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, तो देखो पहले बॉल मान लीजिए नीचे की तरफ गिर रही है, तो मास इनटू वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, लेट्स से इसकी v1, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैं नेगेटिव डायरेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ इसको, क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है, तो लेट इसकी डायरेक्शन हो जाएगी j कैप विद नेगेटिव साइन, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आप लगा दीजिए, ठीक है, मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। फिर आप इसको माइनस साइन यहाँ पर लगा दीजिए, मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन अब जो पार्टिकल जा रहा है वो कहाँ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ। एक मिनट में इसको जरा दूसरे तरीके से बता देता हूँ आपको, पहले हम वेलोसिटी फाइंड हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि मोमेंटम आपको फाइंड करना है, हमें निकालना तो चेंज इन मोमेंटम ही है, पी ही होगा चेंज इन इम्पल्स, एक्चुअली इम्पल्स होगा चेंज इन मोमेंटम, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको, इम्पल्स बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम, तो हम कह सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो डेल्टा पी आपको फाइंड करना है। अब मोमेंटम कैसे निकाला जाए, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है 0.15 केजी, वेलोसिटी कैसे निकालें, वी। तो देखो बेटा ये बॉल नीचे आ रही है 10 मीटर की हाइट, तो 10 मीटर की हाइट तक नीचे आते आते हैं उसको कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से आप यूज कर लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2, जी की वैल्यू 10, हाइट 10 मीटर दे रखी है, तो वी स्क्वायर या कह लो कि वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सीधा 10√2 मीटर/सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई। अब यही वेलोसिटी जब वो ऊपर जा रही होगी तब भी इतनी रहेगी, तो 0.15 इंटू वेलोसिटी कितनी होगी 10√2, ठीक है। लेकिन आप इसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि लेट ये वी वन है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ जा रही है माइनस के जे कैप, और ये आप इसको इनिशियल मोमेंटम कह सकते हो, पी वन कह सकते हो, पी टू कितना जाएगा, मास इंटू वी टू, मास कितना है 0.15 इंटू वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 10√2, उतनी होगी सेम, लेकिन अब वो प्लस जे में जा रही होगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मोमेंटम एक्चुअली में आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, नेगेटिव साइन आए भी तो उसको इग्नोर कर देना, इम्पल्स कितना होगा, तो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी यानी कि 10√2 जे कैप माइनस, फिर माइनस के 10√2 जे कैप, बस आपको ये मैग्नीट्यूड निकालना है। अब मास कितना है 0.15, और ये 10√2 ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा ना, तो 10√2 यानी कि 2 टाइम्स 10√2, आपको बस ये सॉल्व करना है, यू विल गेट 4.2 किलोग्राम मीटर/सेकंड, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखो ये तो इतने काफी टाइम लगाएगा, आपको मैं डायरेक्ट बताऊं तो डायरेक्ट आप कैसे करना, आपको पता है इम्पल्स तो निकालना ही है, तो जो भी आपको इम्पल्स निकालना है वो मोमेंटम के चेंज के बराबर होगा, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन आप उसमें डबल कर दो, क्योंकि यहाँ पर साइन की तो कोई टेंशन लेनी नहीं है, मैग्नीट्यूड ही बताना है, तो सीधा आप करो 2mv, कैलकुलेशन टाइम बचाने के लिए, मास कितना है 0.15 और वेलोसिटी को सीधा यहीं पर रख दो √2gh, ठीक है। तो 2 × 0.15 × √2g की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 10, तो सीधा एक बार में काम आपका हो जाएगा, ये भी आप कर सकते हो। Let's discuss next question now. Question number 46 अब हम discuss करेंगे। Question number 46 बोला है, a car start from rest and accelerated 5 meter/second square. तो एक कार है जो कि starting rest से हुई है, तो initial velocity तो zero हो गई, ठीक है। A ball is dropped out of the window by a person sitting in the car. तो after some time t equal to 4 seconds, कार में कोई बच्चा बैठा होगा मान लीजिए, वो एक बॉल फेंक सकता है, तो यहाँ से बॉल को बाहर फेंक दिया गया है। तो देखो जब भी चलती हुई गाड़ी से आप कोई ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो उसका जो पाथ होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट टी इक्वल टू 6 सेकंड। तो जब ये थोड़ी और आगे आ चुकी होगी, मतलब कि टी इक्वल टू 6 सेकंड पर आपको बताना है वेलोसिटी कितनी होगी बॉल की और एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो एक बार जब आपने बॉल को बाहर फेंक दिया तो उसके बाद तो आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो जो भी उस पर फोर्स लगेगी वो लगेगी ग्रेविटी की वजह से। तो फोर्स किसकी वजह से लगेगी, ग्रेविटी की वजह से, mg, ठीक है। अब mg, why?
जी क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ गिर रही है तो उस पर सिर्फ फोर्स लग रही है, ग्रेविटी फोर्स। तो कहने का मतलब आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन उस पर कितना रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपको देखो, आपको वेलोसिटी निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको इसी ऑप्शन में दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किसी में दे नहीं रखा है। किसी भी अदर ऑप्शन में आपको एक्सेलरेशन 10 नहीं दे रखा, तो करेक्ट ऑप्शन तो आप यहीं से चूज कर लोगे। बट फिर भी वेलोसिटी निकाल के चेक कर लेते हैं, एक्सेलरेशन तो 10 ही होगा। अब वेलोसिटी जब आप निकालोगे तो एक्चुअली में पार्टिकल पहले वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई, ठीक है। लेकिन जब उसमें बॉल को नीचे गिराया है तो उसमें कुछ वेलोसिटी आ गई होगी वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में तो ऑलरेडी उसके कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। तो हम देख लेते हैं कि ये जो नेट वेलोसिटी हमें निकालना है वो बराबर किसके होगी, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, और बाद में हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले आप वेलोसिटी निकाल लीजिए कि 4 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी कार की। ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन हम कितना लेंगे, कार का लेंगे क्योंकि एक्स डायरेक्शन का लेना है वो है 5, और टाइम की वैल्यू कितनी है, 4। तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन के कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आगे वेलोसिटी। अब वाई डायरेक्शन में भी हम वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी क्योंकि दोनों का नेट हमें निकालना, तो वी वाई या आप यू प्लस ए टी लगा लीजिए फिर से, लेकिन वाई डायरेक्शन के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में तो कोई थी नहीं, पार्टिकल सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा था कार के अलोंग। और एक्सेलरेशन हम कितना लेंगे यहाँ पर, जी की वैल्यू, और टाइम कितना, देखो टाइम हम कौन सा लेंगे, 6 से 4 सेकंड का जो डिफरेंस होगा, उतने अंतराल में तो उसको नीचे गिराया है, तो यहाँ पर 2 ले लीजिए, 2 टाइम की वैल्यू। ठीक है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगा ये, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब दोनों वेलोसिटी बराबर ही है। तो जब आप नेट वैल्यू निकालोगे वेलोसिटी का, 20 i कैप प्लस 20 j कैप, तो नेट कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका। सो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी कि v इक्वल टू 20√2। तो हालांकि मैंने आपको पहले बताया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जोन से एक्सेलरेशन होगा वही करेक्ट आंसर होगा, और हमने वेलोसिटी भी फाइंड कर लिया। सो 20√2 एंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। इस क्वेश्चन में बोला गया है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ अगर 30 है तो यह लगभग 60 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर फोकल लेंथ यहाँ पर है तो 2f पर आपने अपने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, और जब भी ऑब्जेक्ट को आप 2f पर रखते हो तो उसकी इमेज उससे अपोजिट साइड यानी कि इस तरफ 2f पर ही बनेगी। यानी कि अगर मैं कहूँ तो इमेज आपकी यहाँ से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी लेंस की, और जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वो रहेगी रियल एंड इन्वर्टेड। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि मिरर नहीं है, मिरर नहीं है उस केस में मैंने आपको बताया कि अगर ऑब्जेक्ट को आप 2f पर रखोगे तो इमेज भी 2f पर ही बनेगी, अपोजिट साइड बनेगी और रियल इन्वर्टेड भी बनेगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक मिरर हमने यहाँ पर रखा हुआ है, तो मिरर की वजह से क्या होगा, अब आप मिरर एक कैसे कंसिडर कर सकते हो कि 40 सेंटीमीटर यहाँ से तो मिरर है, तो इसका मतलब 20 सेंटीमीटर अंदर आपकी इमेज बन रही होगी। अब प्लेन मिरर की कहानी ये होती है कि जितना पीछे इमेज होती है उतना ही आगे ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में अब पीछे हो गया इसके, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी 20 सेंटीमीटर पर यहाँ से, क्योंकि V और U बराबर होता है हमेशा किसके लिए, मिरर, प्लेन मिरर के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो इमेज बनेगी यहाँ पर वो 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, देखो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो 30 वाला तो आप कैंसिल कर दीजिए, 30 तो नहीं होगा, 20 सेंटीमीटर। अब आपको दो ऑप्शन है, प्लेन मिरर के और लेंस के, देखो और ये भी कैंसिल हो गया, तो मैंने जो आपको डिस्टेंस बताया वो मिरर से बताया, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी प्लेन मिरर। ठीक है, हमने जो डिस्टेंस मेजर किया है वो प्लेन मिरर से किया है। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट रखा था 60 सेंटीमीटर पर यानी कि 2f पर, देखो फोकल लेंथ का डबल ही तो होता है 2f, तो यहीं पर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, 2f पर बनेगी, लेकिन अपोजिट साइड इस तरफ। ओके, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये पूरा 60 है
और यहां से यहां तक का 40 है, तो बचा क्या 20। तो प्लेन मिरर की कहानी ये होती है कि जितना पीछे इमेज होगी उतना आगे ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट उतना ही आगे होगा। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली में, यहाँ पर आपकी फाइनल इमेज आपको मिल जाएगी 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर। तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर एक ही ऑप्शन में है और यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप अगर इसमें फॉर्मूला लगाओगे तब भी आंसर आएगा, बट काफी टाइम लगेगा। आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं कि हम फॉर्मूला लगा करके सोचे, तो इस तरह से आप डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 48, फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। तो सर्कुलर रिंग का रेडियस और मास दे रखा है आपको, उसमें से कुछ पोर्शन कट करके बाहर निकाल रहे हैं। सो लेट, इसमें से जो पोर्शन हम कट कर रहे हैं वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब आपके पास जो शेप बचेगी वो कुछ इस तरह से बचेगी, 90 डिग्री हमने काट के बाहर निकाल लिया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कितना हो जाएगा। सॉरी, द मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज के टाइम्स एम आर स्क्वायर। मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्सी है वो के टाइम्स है एम आर स्क्वायर के। तो आपको के की वैल्यू बतानी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्सी हमें फाइंड करना ही पड़ेगा अगर हम के की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी अगर रिंग है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा उसकी एक ऐसी एक्सिस जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से जा रही है, उसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। लेकिन अब कुछ पोर्शन यहाँ से कट आउट कर लिया गया है तो मास चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा लेकिन मास अब रिड्यूस हो चुका होगा। तो एक्चुअली में हमें एम डैश फाइंड करना पड़ेगा, नया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बराबर होगा एम डैश इंटू आर स्क्वायर के, रेडियस चेंज नहीं हुआ है। अब एम डैश कैसे निकाला जाए, यानी कि जो मास रिमूव्ड है, तो जो मास रिमूव्ड है वो कितना होगा, पहले मास कितना था, ठीक है, उसमें से मास जो कट करके पोर्शन बाहर निकाल लिया है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, मास डेंसिटी आप फाइंड कर लीजिए। मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट एरिया, वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से एक्चुअली में आप डायरेक्ट भी कह सकते हो, आप जब 90 डिग्री पोर्शन को कट आउट कर रहे हो तो एक तरह से आपने जो मास बाहर निकाल लिया होगा वो पूरे मास का 1/4 पोर्शन बाहर निकाल लिया है। 90 डिग्री सेक्टर का मतलब यही है ना, आप इसको 4 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हो। तो 90 डिग्री मतलब 1/4 आपका बाहर निकल गया होगा, आपको ये डेंसिटी निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मास माइनस एम कट कितना हो गया, एम बाय फोर, 1/4 पोर्शन आपने बाहर निकाल लिया है, तो ये कितना बचेगा, 3/4 ऑफ एम। तो नया जो मास है वो हो जाएगा 3/4 ऑफ एम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, टोटल एम डैश इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 3/4, 3/4 एम आर स्क्वायर इक्वल टू के एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल कर दो तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। और यही तो हमें फाइंड करना था कि कितना के की वैल्यू होगी। तो बस आपको इसमें मेन कंसेप्ट क्या है कि एम डैश निकालना, कि नया जो मास हो जाएगा वो कितना बचेगा। तो एम माइनस जो भी आपने बाहर निकाल लिया 1/4, अगर हाफ होता तो 180 डिग्री से, यानी कि 1/2 हो जाता इस तरह से। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 48। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 49 नाउ। तो इन क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है 12 A एंड रेजिस्टेंस उसका आ रहा है, इज वाउंड अप करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल इन द शेप ऑफ। तो पहले हम इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और सेकंड पार्ट में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं स्क्वायर में, जिसकी साइड ए है और ट्रायंगल की भी साइड ए। द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल इन ईच केस। देखो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इंटू एरिया, ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला एम। तो आपको करंट तो सेम फ्लो कर रहा है लेकिन एरिया निकालना है एक्चुअली दोनों केस में, ठीक है। तो अगर आप ट्रायंगल की बात करो तो, और एक और चीज, अगर आपके मान लीजिए एन नंबर ऑफ टर्न है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टोटल कितना हो जाएगा, एन इंटू आई है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, जब आप इसी वायर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हो और एक स्क्वायर बना रहे हो तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। तो देखो, अगर हम इसको इसकी बात करें तो इसके पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 3 है ना टोटल पेरीमीटर, लेकिन लेंथ कितनी है, 12 है। तो 12 A और 3 है, हमें एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, 3 है। तो आप 12 A को डिवाइड कर दीजिए 3A से, यानी कि कितना बचेगा, 4। तो कहने का मतलब आपको जो ट्रायंगल बनेंगे उसमें
चार ट्रायंगल बन जाएंगे, कह लो कि चार टर्न्स हो जाएंगे उसमें, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न कितने हो जाएंगे, फोर। तो इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट उसमें जो नंबर ऑफ टर्न है दैट विल बी इक्वल टू, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर। चार टर्न आपके 12A, 12A आकर लेंथ है, तो जो ट्राइंगल है ए साइड का, ऐसे चार ट्राइंगल आप बना पाओगे। तो हम लिख सकते हैं करंट, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, फोर। करंट आई, एरिया कितना हो जाएगा, √3A² / 4, √3A² / 4, यानी कि फोर से फोर कैंसिल कर दीजिए तो कितना जाएगा, √3 करंट इंटू साइड का स्क्वायर। तो √3 किस ऑप्शन में है, √3 सिर्फ इस ऑप्शन में आपको दे रखा है ट्रायंगल के लिए, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, √3 IA² और सेकंड में क्या आ जाएगा, आप इसके लिए भी चेक कर सकते हो, तो निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि √3 सिर्फ इसी में है, √3 किसी और में होता तो हम देख सकते थे, बट फिर भी स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप 12A को डिवाइड कर दीजिए 4A से, क्यों, इसका पेरीमीटर 4A होगा स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा 3। तो स्क्वायर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, 4² नंबर ऑफ टर्न 3, करंट दोनों में हम सेम फ्लो करवा रहे हैं आई, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, तो 3IA². तो सिंपल आपको करना था कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देखने थे, अगर 12 लेंथ है, 12A लेंथ है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, तो उसी हिसाब से हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला लगाया NIA। लेट्स डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज नीट 2021 सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन लास्ट है 50 क्वेश्चन। Now last question is 50. A particle of mass m is projected with a velocity v equal to kve, where v is escape speed, surface of the earth से उसको project किया जा रहा है, the maximum height above the surface reached by the particle is, तो वो कितनी height को achieve कर लेगा, तो इसमें हम concept लगाएंगे conservation of energy का। तो मान लीजिए जब surface of earth पर particle हम उसको project कर रहे हैं, तो इसमें initial दो energy होगी, kinetic energy plus potential energy, और जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका होगा, लेट एच हाइट पर, मैक्सिमम हाइट इसके एच मान के चलते हैं, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो चुकी होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, क्योंकि रुक जाता है पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, तो सिर्फ उसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी P₁₀ मान लेते हैं। तो जब उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो हाफ मास इंटू वेलोसिटी जो भी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी, -gm(m)/r, जब वो सरफेस ऑफ अर्थ पर तब हम आर ले लेंगे, और जब वो h हाइट ऊपर जा चुका होगा, तब जो टोटल सेपरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा r+h। तो यहाँ पर हमें निकालना है h की वैल्यू। वैसे तो मैं इसको आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूँ कि डायरेक्ट अगर आपको h निकालना है तो r/2gr/v²-1 आप लगा सकते हैं, बट मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, और यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने क्यों लगाया है, ताकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने इसलिए लगाया ताकि हम एच हाइट को फाइंड कर सके। तो यहाँ पर अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर, आप इस टर्म को राइट हैंड साइड ले आइए, सो इट विल बिकम gmm/r और माइनस के gmm/r+h। हमारा टारगेट है हाइट निकालना, ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए हाफ एम वी का स्क्वायर, और जब आप इसको माइनस करोगे तो आप gm, देखो स्मॉल m तो सब जगह से कैंसिल हो ही जाएगा, तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी स्मॉल m की, यहाँ से बचेगा gm कॉमन ले लीजिए, तो 1/r - 1/r+h, ठीक है, और हमें हाइट निकालना है, तो m तो मैंने कैंसिल कर ही दिया है, तो मैं बाकी काम यहाँ पर कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो देखिए हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा r+h - r / r (r+h), ठीक है, ओके, ऊपर से r तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाफ वी स्क्वायर, थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि कैसे आएगा, हम डायरेक्टली भी कर सकते थे वैसे, h/r और r+h, ठीक है, हमें हाइट निकालनी, तो हम इसको आगे, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर काम कर सकूँ, सो आई एम डिलीटिंग इट। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ नीट 2021 सॉल्यूशन।
तो देखो हाफ वी स्क्वायर अपॉन जी एम, इसको आप कैसे लिख सकते हो, एच अपॉन आर और आर प्लस एच। ठीक है, अब एच निकाल लेना, आप इसको ऐसे लिख दो आर प्लस एच अपॉन एच, ठीक है, इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर अपॉन जी एम, हाफ वी स्क्वायर जी एम और आर, आर को मैंने यहीं पर रहने दिया है, आर प्लस एच को अपोजिट साइड और एच को नीचे। अब ये आर प्लस एच अपॉन एच हाफ, अच्छा वी स्क्वायर, वी स्क्वायर आप अब इसकी वैल्यू लिख लेंगे हम, जी एम आर, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, के वी, तो के स्क्वायर और एस्केप स्पीड का स्क्वायर कर दीजिए, तो आर प्लस एच का मतलब कितना हो गया, अब इसको ऐसे रहने देते हैं थोड़े में, अब ये हटा लेंगे उसको, वन अपॉन टू जी एम आर के का स्क्वायर। अच्छा एस्केप स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा जी एम अपॉन आर और ऊपर आ जाता है टू, ठीक है, और इसका अंडर रूट, लेकिन स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, तो कितना आ जाएगा, टू जी एम टू, एस्केप स्पीड का फॉर्मूला टू जी एम अपॉन आर, तो जी एम से जी एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और हमारे पास के स्क्वायर अपॉन आर और आर प्लस एच अपॉन एच बच गया है, इसको आप लिख सकते हो, जस्ट अ मिनट, एक्चुअली इसमें जो आर है ये एक्चुअली में ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें आर स्क्वायर ना बन करके, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ आपको, यहाँ पर देखो ये आर यहाँ पर है, तो एक्चुअली में वी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर आएगा यहाँ पर और एक आर यहाँ पर ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा आर से आर, तो हमारे पास बचेगा आर प्लस एच अपॉन एच इक्वल टू के का स्क्वायर, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो आर अपॉन एच प्लस वन इक्वल टू के का स्क्वायर, या फिर आर अपॉन एच इक्वल टू के का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और आपको हाइट निकालना है, सो यू कैन नाउ यूज, या आप इसको रेसिप्रोकल भी कर दीजिए तब भी आपका हाइट निकल जाएगा। व्हेन यू सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एच यू विल गेट एच इक्वल टू आर के का स्क्वायर अपॉन वन माइनस के का स्क्वायर। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड था, लेकिन इससे बेस्ट मेथड ये कि क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट होते हैं मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आर अपॉन टू जी आर अपॉन वी का स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली पुट कर लीजिए आर वी ई का स्क्वायर अपॉन के का स्क्वायर वी ई का स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि स्केप स्पीड रूट टू जी आर होती है, तो यहाँ से एच बराबर आ जाएगा आर के का स्क्वायर अपॉन, इसको सॉल्व कर लीजिए, वन माइनस के का स्क्वायर, तो ऐसे भी मतलब वो जो मैंने मेथड बताया था वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, तो इसलिए बेस्ट है कि आप डायरेक्टली मैक्सिमम हाइट का, खास करके इस टॉपिक में, इस ग्रेविटेशन टॉपिक में मैक्सिमम हाइट का आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, एच इक्वल टू आर अपॉन टू जी आर वी स्क्वायर माइनस वन, वी क्या है, वेलोसिटी। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम नीट 2021 सॉल्यूशन, आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, थैंक यू एवरीवन एंड कीप प्रिपरेशन फॉर योर नीट 2022।